हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 इसके कुछ ऐसे ईस्टर एग्स को मैं लेके आया हूँ जो शायद तुमने मिस कर दिए होंगे शो को देखते टाइम, और अगर नहीं किए हैं तो सच में तुम्हारी बास की नज़र है। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। ईस्टर एग नंबर 1, ये देखो तो HBO की पुरानी आदत है, जो भी पिछले एपिसोड में हुआ होता है उसको वो ओपनिंग क्रेडिट के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर जहरस टारगेरियन को मार डाला था, तो वो इस बार इन्होंने रेफरेंस दे दिया है, और उसको जिसने मारा था उनमें से रेड कैचर्स का भी रेफरेंस दे रखा है। अब यहाँ पर तुम नोटिस करो तो रेड कैचर्स को जिस रस्सी से बांध रखा है वो गोल्डन कलर की है, और ये गोल्डन कलर अगर तुम समझ पा रहे हो तो ग्रीन्स को इंडिकेट करता है। ईस्टर एग नंबर 2, ये शायद तुम्हें पता होगा, ये वाला जो ड्रैगन एग्स है ये वही वाले है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर डेनी के पास में थे। नंबर 3, टारगेरियंस के अंदर तो लोगों के मरने के बाद में उनको जलाया जाता है, लेकिन बाकी लोग और नाइट्स को उसके बाद में दफनाया जाता है। उसी परंपरा को पालन करते हुए रेनिरा इरेक और एरेक इन दोनों को दफना रही है। यहाँ पर तुमने नोटिस किया हो तो उसके जो कलर है कपड़ों का वो पूरा ब्लैक है, जो कि हमें बताता है कि रेनिरा इन दोनों के प्रति अपना शोक व्यक्त कर रही है। असल में रेनिरा को तुमने देखा हो तो वो हमेशा रेड और ब्लैक कपड़े पहनती है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कपड़े हैं जो कि उसके शोकाकुल होने का प्रतीक है। नंबर 4, बर्निंग ऑफ मिल के बाद में ये जो सारे सैनिक मरे हुए पड़े हुए, ये वहाँ से रेफरेंस लिया गया है। अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था उसके बाद में भी बहुत सारी लाशें ऐसे पड़ी हुई थी और उनके काफी सारे फोटोज वायरल हुए थे, तो ये वाला सीन का शूट वहाँ से रेफरेंस लेके बनाया। नंबर 5, हेरनहोल को कर्स्ड माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी हाउस आके रहना शुरू करता है उसके साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर टिक नहीं पाता है। फिलहाल यहाँ पर अपने डेमन भैया ने आकर इसको जीत लिया है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल के तुम्हारा स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा शो, लेकिन अगर समझदार हो तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर 6 पे आ जाते हैं। बाकी सारे हैंड ऑफ द किंग्स अपना जो बैज होता है उसको सीने से लगा के रखते हैं या फिर कपड़े के ऊपर बांध के रखते हैं, लेकिन क्रिस्टन कोल ये बंदा थोड़ा अलग है। इसने क्या किया कि इसका जो आर्मर है उसी के ऊपर हैंड की एक माला टाइप का छपवा दिया है, तो शायद ये तुमने शो को देखते हुए मिस कर दिया होगा। एक बार का तुम भी सोचो, ऐसा इसने क्यों किया होगा? क्या ये अपना कोट नहीं उतारना चाह रहा है? ऐसा नहीं है, ये किंग्स कार्ड का नाइट बना हुआ है तो ये बेच कहाँ पर लगाएगा, इसलिए इसने ऐसा कर दिया है। नंबर 7 भी क्रिस्टन कोल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो उसकी चेयर है उसके ऊपर एक सीगल बना हुआ है, और अगर वो तुम देखो तो फायर एंड ब्लड की जो बुक है उससे बिल्कुल सिमिलर है। फायर एंड ब्लड के ऊपर जो 3 ड्रैगन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है एगोन का ड्रैगन बलेरियन, और उसके बाद में उसके दोनों सिस्टर वाइफ्स के ड्रैगन, यही वाला सीगल यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर जो आंख बनी हुई है वो रिप्रेजेंट करती है कि हैंड ऑफ द किंग अपना काम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अच्छे से करेगा। नंबर 8 पे आ जाते हैं। पिछले सीजन के अंदर जब एलिसेंट थोड़े टाइम के लिए पावर संभाल रही थी, तब आपको स्मॉल काउंसिल के अंदर कप बियरर देखने को ही नहीं मिलते थे, लेकिन अब एगोन के पास में पावर आ गई है तो यहाँ पर है। क्यों है? तो इसका रीजन है कि एगोन सेकंड टारगेरियन ये थोड़ा नशेड़ी टाइप का बंदा है, तो इसके स्मॉल काउंसिल के अंदर भी इसको दारू वारू सारे मजों की जरूरत होती है, लग्जरी चीजें चाहिए होती है, इसलिए कप बियरर इसने अपना पर्सनल रख रखा है। नंबर 9 पे तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि एमन टारगेरियन पे आ जाते हैं। स्मॉल काउंसिल के अंदर बैठ के ये जिस कॉइन को अपने हाथों में घुमा रहा है वो वही वाला कॉइन है जो पिछले एपिसोड के अंदर चीज और ब्लड के पास में था और वहां पे गिर गया था, इसको मिल गया था। तो इस बंदे ने वो वाला कॉइन अभी तक हाथ में क्यों ले रखा है? शायद इसके दिमाग के अंदर वो बात घर कर चुकी है कि मुझको मारने के लिए वो लोग आए थे, अब मैं उससे उनका बदला लूंगा, यूं करके। ईस्टर एग नंबर 10 पर आ जाते हैं। GOT और HOTD इसके कैरेक्टर्स को अगर तुम आपस में लिंक करने की कोशिश करो तो दो कैरेक्टर बिल्कुल सेम मिलेंगे, और दोनों का काम भी वैसा ही है जो GOT के अंदर था। एक तो है वेरस और दूसरा है लिटिल फिंगर। HOTD का लिटिल फिंगर लेयर स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, और वेरस जो कि सबका ध्यान रखता है उसका काम कर रहा है माइसीरिया। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो वेरस को भी जनता की बहुत पड़ी रहती थी, स्मॉल फोक के बारे में वो बहुत सोचता था, और यहाँ पर माइसीरिया को भी पड़ी हुई है कि स्मॉल फोक का भला हो, जबकि लेरस और लिटिल फिंगर ये बस अपने फायदे के काम करते हैं। ईस्टर एग नंबर 11, ये तो शायद तुमने पक्का मिस कर दिया होगा। यहाँ पर जो माइसीरिया की गर्दन है उसके ऊपर एक उभरा हुआ सा निशान बना हुआ है। वो एक्चुअली में ये बंदी पहले स्लेव थी, और स्लेव्स के गले में एक बेड़ी रखते हैं, उसकी वजह से ये निशान बन जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर यही बेड़ियर तोड़ने का काम क्वीन डेनरिस टारगेरियन कर रही थी, तो गले में पड़े हुए ये निशान यही बताते हैं कि एक टाइम पर यह भी गुलाम थी। नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो रेनिरा अपने बेटे बेटियों को आखिर एसोस क्यों भेजना चाहती है? तो इसका रीज़न ये नहीं कि वेस्ट्रोस के अंदर लड़ाइयाँ चल रही है। असल में एसोस इसलिए ज़्यादा सेफ है क्योंकि वेस्ट्रोस कभी भी एसोस की फ्री सिटीज़ के साथ में कभी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग सच में पावरफुल भी है और उनके साथ में व्यापार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेस्ट्रोस के साथ में। इसके अलावा डेमन का वहाँ पर एक फ्रेंड भी है जो अपन को पिछले सीजन के अंदर दिखाया था, तो इसीलिए रेनिरा यहाँ से वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना चाहती है सेफ रखने के लिए। नंबर 13 पे आ जाए तो हेरनहोल एक कर्ज किला माना जाता है, यानी कि यहाँ पर भूत भूत वाला सीन है। तो यहाँ के जितने भी सीन है उनके अंदर क्रीपी साउंड कर रखा है जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको अगर तुम नोटिस करो तो। इसके अलावा इस सीन के अंदर डेमन टारगेरियन जो हॉल को इस व्यू से देख रहा है जहाँ पर 101 की ग्रेट काउंसिल हुई थी, जहाँ पर कि विसरस टारगेरियन को राजा बनाने की बात हुई थी।
नंबर 13 पे आ जाते हैं। हैरन हॉल की जो ये अंदर लोकेशन है, यहाँ पर अगर तुम पीछे की तरफ देखो तो एक पूरी पेंटिंग बना रखी है पूरे पूरे हैरन हॉल की। इसके अलावा ग्रेट हॉल के अंदर कुछ झंडे भी लटकाए हुए हैं जो आधे जले हुए टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये किसी और के झंडे नहीं है, ये हाउस स्ट्रॉन्ग के झंडे हैं, क्योंकि डेमन के आने से पहले हैरन हॉल तो उन्हीं के कब्जे में था। इसलिए नंबर 14 पे आ जाए तो तुम्हें पता है एलिसेंट हाई टावर। हाई टावर्स यानी कि ये लोग नए फेस्ट वाले गॉड को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, सेवन गॉड्स को। तो ये अपने हिडन लवर यानी कि क्रिस्टन कोल को सेफ रखने के लिए, अगर तुम देखो तो उसके घोड़े के सामने एक सेवन फेस्ट गॉड का एक निशान बना देती है, जिससे कि वो बंदा सेफ रहे और जीत के वापस आए। लेकिन वापस आ पाएगा या फिर नहीं, ये तो कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। नंबर 15 के ऊपर आ जाए तो ग्वेन हाई टावर, ये बंदा वही है जिसको तुमने सीजन फर्स्ट के अंदर देखा था और जिसको डेमन ने हराया था। यहीं पे तुम्हें एक मैं चीज़ बता दूँ तो रेनिरा बारबरा बोल रही है कि वेल और नॉर्थ से मेरे लिए सेनाएं आने वाली है। अभी यहाँ पर देखे तो ग्वेन हाईटावर्स के वहाँ से आया है, ओल्ड टाउन से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग। यहाँ पे आने में उसको 3 महीने का टाइम लग गया है। और अगर जियोग्राफी के हिसाब से देखो तो नॉर्थ की सेनाएं ड्रैगनस्टोन आने में इससे डबल टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस उसका डबल है, तो लगभग 6 महीने लगने वाले हैं। तो रेनिरा पता नहीं नॉर्थ वालों के इतने भरोसे क्यों बैठी हुई है, अगर वो आना भी शुरू हुआ तो उनको आते आते 6 महीने लग जाएंगे। इस तरह एक नंबर 16 पे आ जाते हैं, एगोन सेकंड टारगेरियन। ये थोड़ा बकचोद बंदा है। ये क्या करता है कि नए जो किंग्स गार्ड होते हैं वो अपने ही दोस्तों को बना देता है, जिनके बिल्कुल भी किंग्स गार्ड बनने के लक्षण नहीं है। क्रिस्टन कोल इनको देख के थोड़ा बहुत गुस्सा तो करता है इनके ऊपर, लेकिन अब क्या ही बोले, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। इस तरह एक नंबर 17, स्मॉल फोक के अंदर एक लंबा सा सीन है जहाँ पर उल्फ द वाइट जिस लड़की के ऊपर पीछे से मार रहा है, इसको तुमने सीजन फर्स्ट के अंदर देखी थी, जिसको असल्ट कोई और नहीं अपने एगोन सेकंड टारगेरियन करता है। नंबर 18 की बात करें तो रेनिरा टारगेरियन वापस किंग्स लैंडिंग के अंदर जाती है और वहाँ पे वो सेप्टा के कपड़ा पहन के जाती है, यानी कि वो नॉर्मल कपड़े भी तो पहन सकती थी, सेप्टा के क्यों पहने? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। होता यूँ है कि साइलेंट सिस्टर्स को उनकी तरफ कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, एक कुरूप माना जाता है या फिर बोलो अपशुकन माना जाता है। तो कोई भी नाइट हुआ, कोई भी गार्ड हुआ, कोई भी इसी को देखेगा नहीं, कोई भी हुआ इसको देखेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही की है इसने, तो इसने अपना पूरा दिमाग का यूज़ करके ये वाले कपड़े पहने हैं, जिससे कि सारे गार्ड से बचती हुई आराम से अंदर चली जाए।